भारतीय किसान संघ कोलारस ने दिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और जिला सदस्य विवेक व्यास ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कोलारस में भारतीय किसान संघ के प्रदेश आह्वान पर समूचे मध्य प्रदेश में हर वर्ष की तरह इस बार भी किसानों के समस्याओं को लेकर दो ज्ञापन सौंपे गए। उक्त ज्ञापन भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष और जिला सदस्य विवेक व्यास ने किसानों के साथ नायब तहसीलदार लज्जाराम राजौरिया को दिया। किसानों को महत्वपूर्ण समस्याओं जिनमें कृषि सामग्री और यंत्रों से GST हटाना, लागत के आधार पर किसान को मूल्य मिलना, देश में कृषि बजट अलग से पेश किया जाए, पीएम किसान बीमा में खेत को इकाई माना जाए, किसानों के विद्युत चोरी के झूठे प्रकरण वापस हों, बीज के मूल्य निश्चित हों, ट्रैक्टर को बैलगाड़ी का दर्जा दिया जाए सहित कुल 50 किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आज भारतीय किसान संघ इकाई कोलारस किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं और एक ज्ञापन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए है, जिसमें हमारी मुख्य शर्तें हैं भारतीय किसान विषय किसानों की निम्न समस्याओं के समाधान बाबत भारतीय किसान संघ क्षेत्र के किसानों की समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मांग करता है कि किसानों के हित में निम्न विषय पर हो रही सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई की जाए। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं अपितु लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए तथा नए खरीदी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। दूसरा, आयात निर्यात नीति किसानों के हित में हो, यदि बाजार बढ़ता है तो किसानों को लाभ मिलना चाहिए, अतः ब्याज पर से निर्यात शुल्क तुरंत हटाया जाना चाहिए। कृषि विभाग वाणिज्य विभाग के पास कृषि उत्पाद के